असी पहुँच गए हाँ जी विद्या के एक ऐसे केंद्र दे विच, तालीम दी एक ऐसी दरसगाह दे विच जो अपने आप दे विच एक सदी का इतिहास समाए बैठा है। लखां ही लोग इत्थों पढ़ के जा चुके ने, की सिख की मुसलमान की हिंदू और की ईसाई, सारे ही लोग इत्थों पढ़ चुके ने। और इहदी खूबसूरत बिल्डिंग जिहड़ी है वह भी एक खिच पैदा करती है। हज़ारां ही लोग लखां ही लोग इत्थों पढ़ के अज अच्छे मुकाम ते फायज ने। अज भी इसकी बिल्डिंग अपने पूरे जोबन के उपर है। सो आओ वेखते हैं गौरमेंट गुरु नानक हाई स्कूल और नाल दे नाल जानते हैं इत्थे दा पिछोकड़। गौरमेंट गुरु नानक हाई स्कूल ननकाणा साहब का सब तो कदीम अते इतिहासक स्कूल है। रकबे के लिहाज नाल पंजाब दे चंद वड्डे सरकारी स्कूलों विच इस दा शुमार होंदा है। इस स्कूल का संगे बुनियाद सन 1922 विच रखिया गया और इस दी इमारत 1928 विच मुकम्मल हुई। इस स्कूल का कुल रकबा 200 कनाल ते मुश्तमिल है, जिस दे अंदर 125 कनाल विच खेल दे मैदान, हाकी, फुटबॉल अते क्रिकेट दे ग्राउंड ने, अते बाकी जगह ते खूबसूरत बागीचे बने हुए ने। स्कूल दी इमारत दा तर्ज़े तामीर बहुत ही खूबसूरत अते मुनफरिद है। इस स्कूल दी इमारत अंग्रेजी दे दो हरूफ ई अते एच दा मजमुआ है। अगर स्कूल दी इमारत नूं सामने तो वेख्या जावे तां ऐ अंग्रेजी जुबान दा अक्खर ई दिसदा है। अगर इसे ही इमारत नूं उपरों आसमान वलों वेख्या जावे तां अंग्रेजी जुबान दा लफज़ एच दिसेगा। एच और ई दा मतलब एजुकेशन ते होनेस्टी है, यानी तालीम ते ईमानदारी। उन्नीस सौ बई विच ननकाणा साहब नूं जद ज़िला शेखुपुरा दी तहसील दा दर्जा दे दिता गया तां इत्थे प्राइमरी स्कूल तो अलावा कोई भी स्कूल या विद्या केंद्र नहीं सी। इत्थों दे वसेंदियां नूं दूसरे ज़िले विच जा के तालीम हासिल करनी पैंदी सी। ज़्यादातर इत्थों दे लोग खालसा हाई स्कूल लायलपुर, मौजूदा फैसलाबाद अते खालसा हाई स्कूल गुजरांवाला तालीम हासिल करन लई जाया करदे सन। तालीम ते विद्या दी इस घाट नूं पूरा करन लई गुरद्वारा कमेटी ननकाणा साहब ने पूरा जोर लाया। याद रहे ऐ कमेटी साका श्री ननकाणा साहब 1921 तो बाद बनी। कमेटी ने स्कूल दी इमारत लई लगभग 1.25 लाख रुपया दान कीते अते स्कूल दा नाम गुरु नानक खालसा हाई स्कूल रखिया गया। इत्थे बच्चियां दी तालीमो तरबीयत दे नाल नाल खेडां ते वी ध्यान दिता जांदा। उस वेले स्कूल दे अंदर मुसलमान, सिख, हिंदू अते ईसाई सारे ही विद्या लैंदे सी। इत्थे गरीब तालिबे इल्मां लई मुफ्त तालीम दा प्रबंध होया करदा सी। उस वेले लोकां दा ध्यान तालीम वाले पासे बहुत ही घट सी, पर सरदार ईशर सिंह अते सरदार फूला सिंह ने इस स्कूल नूं ना सिर्फ तालीम बल्कि खेड दे मैदान विच पहले दर्जे ते लै आंदा। कुछ ही सालां बाद पंजाब दी वंड हो गई। 1947 विच इत्थों दे लोग इस जगह नूं छड्डण तों इनकारी सन। हालात बेकाबू होण करके लोकां नूं ऐ जगह छड्डणी पई। 1947 तो बाद काफ़ी अरसा ऐ स्कूल बंद रहा। बाद विच इस दा नां तब्दील कर दिता गया, पर 1969 विच जद गुरु नानक जी दा 500 साला
आगमन दिवस मनाया गया तो इस दा नाम दोबारा गुरु नानक हाई स्कूल रख दिता गया। इस वेले यह स्कूल हायर सैकेंडरी स्कूल विच तब्दील कर दिता गया है। यह स्कूल इस साल अपने 100 साल मुकम्मल करन जा रहा है। इन्हां 100 साल विचों इस स्कूल ने अनगिनत विद्वान डॉक्टर अते चोटी दे सियासतदान पैदा कीते। जिन्हां विचों ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज अहमद शाह, साबका वजीर दाखला राय रशीद खान भट्टी, राय मनसब अली खान, अलहाज मुहम्मद हुसैन गोहर ऐसे इदारे दे दरख्शंदा सितारे ने। ਉਨੀ तो बाद सिखा विचों मेजर हरचरण सिंह पाक आर्मी, डॉक्टर महिपाल सिंह, प्रोफेसर कल्याण सिंह कल्याण, महिंदर पाल सिंह MPA, रमेश सिंह अरोड़ा MPA अते डॉक्टर गुरचरण सिंह राजीव ऐसे ही इदारे दे सरनामे ने। मेरे नाल जी इस वेले मौजूद ने मोहम्मद अब्दुल सलाम तैयब जी, जो गौरमेंट गुरु नानक हाई स्कूल के प्रिंसीपल साहब ने, हैडमास्टर जी ने। सो आओ इन्हों को पुछते हैं इस अदारे बारे कि इतने किन्ने क स्टूडेंट इस वेले विद्या ले रहे ने और किड़े-किड़े उसादजा किड़े-किड़े पिंडा तो लोग आके इतने पढ़ते हैं, नाल दे नाल पिछले 100 सालों के विच इतों किड़े-किड़े तलबा जिहड़े ने वो अज अहम मुकाम ते सरंजाम अपने फ्राइज सरंजाम दे रहे हैं। इस वेले तुहाडे कोल इस इदारे दे विच किन्ने बच्चे पढ़ रहे ने? साढ़े कोल इस टाइम 700 के करीब तलबा साढ़े को पढ़ रहे हैं, तालिब इलम पढ़ रहे हैं और अलहमदुल्ला बहुत अच्छा रिस्पोंस है लोगों का। इस हवाले न यह इदारा किसी जमाने के ननकाने के सब तो वड्डा इदारा हुंदा सी, तहसील ननकाने का और कदीम तरीन इदारा हुंदा सी। फिर दरम्यान दे विच कुछ फेजिज आते रहे लेकिन हुण फिर अलहमदुल्ला इन्हें उठान पकड़ी है तो 700 के करीब साढ़े को तालिब इलम हो गए हैं। इस तो अलावा हायर सैकेंडरी के बच्चे FA वो 73 के करीब साढ़े को पहला साल हो चुके हैं। अच्छा, हुण हाई सैकेंडरी स्कूल बन चुकिया है जी। ये ब्रिगेडियर रिजाज शाह साहब जिहड़े ने उन्होंने काविश की और नाल साढ़े मुराद राज साहब ने उन्होंने काविश की और इन्हों हायर सैकेंडरी का दर्जा। ब्रिगेडियर रिजाज साहब इतने पढ़ते भी? हाँ जी हाँ जी, इतने तालिबे रहे। इस जिले के उपर उन्होंने काफ़ी बिल्कुल बढ़िया इनायात ने इस हवाले। अच्छा, ननकाणा साहब शहर के चूंकि नज़दीक तुहाडे करीब हुंदा है, ननकाणा साहब शहर के बच्चे तो इतने आके विद्या लै ही रहे ने, तालीम लै ही रहे ने। इर्द गिर्द जिस तरह इतने बहुत सारे गाँव ने पिंड ने, उत्थों किन्ने क विद्यार्थी आके इतों विद्या लै रहे हैं जी? जी हाँ, इतने साढ़े को डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तो भी बच्चे आ रहे हैं, नाल ही साढ़े गाँव है 562-563 इस तरह के गाँव है, उतने बच्चे भी साढ़े को आते हैं। साढ़े को यंगसनाबाद तो भी आते हैं, क्रिश्चन बच्चे भी हैं साढ़े को। यानी कह लो कि सारे का साझा स्कूल, सारे का साझा स्कूल, हर धर्म के लोग इत्थे आके पढ़ते हैं। अच्छा, मैं इस स्कूल दे विच बड़ी एक मुनफरद चीज़ वेखी जो पाकिस्तान के बाकी इलाकों के बिल्कुल नहीं है कि इत्थे हिंदू तालिब इलम भी आके अपनी तालीम लै रहे ने, सिख भी आके तालीम लै भी चुके ने, लै भी रहे ने, इस तरह हिंदू भी आते हैं और मुसलमान वीर है, वीर भी हैगे है। सो वो किस तरह का खूबसूरत मंजर होंदा है जदों एक क्लास दे विच सारे ही लोग बैठे होंदे ने और सारियां नू स्टूडेंट्स नू एक दूजे दे त्यौहारां दा पता लगता है, दिवाली दा, इस तरह ईद आती है, क्रिसमस आती है, बाकी चीज़ा वो कितनियां मुनफरिद होंदियां ने तुहाडे लई? ये तो बहुत ही वधिया लगदी जी कि साडा जिहड़ा हारमनी है वा हम आहंगी जिहड़ी बैनुल मज़ाहब है बगैर इम्तियाज रंगों दसल दे और मज़हब दे कि असी इत्थे बच्चों नू तालीम दे रहे हैं और इन्नी शानदार इमारत जिहड़ी गुरद्वारा आर्कीटेक्चर नू जिहड़ा ना ज़ाहर करदी है, नानक शाही अंदाज दे विच बनाई गई बिल्डिंग जिहड़ी है 100 साल तो भी ज़्यादा अरसा हो गया और ये खूबसूरत मीनार और ये जिहड़े गुंबद है ने इन्हां दे विच बैठे हुए बच्चे जिहड़े ने वो एक तारीख का हिस्सा लगते हैं।
अच्छा, चूंकि यह इमारत मैं देखी है, बहुत खूबसूरत इमारत है और ननकाणा साहब की पावन धरती से तो बहुत सारे लोग आते ने, नकमस्तक होते ने, सजदा करते ने, मत्था टेकते ने, वक् वक् मुल्कों तो आते ने। क्या कभी ऐसा भी होया है कि इतने 100 साल पहले या 1947 तो पहले आप कह लिए कि जोड़े लोग इतों पढ़ के गए ने, क्या वह भी यह इमारत वेखन आते हैं या इन क्लासरूम्स जिथे वो पढ़ के गए ने वो क्या इतने आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, हर साल जो भी मेला लगता वो इतने सलाम करन जरूर आते हैं। अच्छा, हाँ, स्टूडेंट तो वैसे भी अपने इदारे नाल अपनी मादरे इलमी जी है ना जी उन्होंने और पाठशाला कह लो तुम ये हाजिरी जरूर देंगे। सर थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी साढ़े लिए काबले फखर हो क्योंकि उस्ताद मोहतरम हो और बहुत सारे लोग जड़े ने वो तुहाडे हत्थों पढ़ के अगे जाते हैं और जिंदगी दे विच अहम मुकाम तक उस्ताद मोहतरम जड़े होंगे ने उन्होंने निखार के पहुँचा देंगे ने। सर थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थोड़ा कीमती वक्त असी लिया। सो आओ इस स्कूल के बारे कुछ होर अहम चीज़ा असी तुहाडे नाल उसकी भी सांझ करते हैं। लो जी, इस वेले मैं बैठा वहाँ इबाने असातजा दे विच ते मेरे नाल बैठे ने इफ्तखार साहब जो इत्थे दे डिप्टी हेडमास्टर भी ने और इना कोल पुराना बहुत सारा ऐसा डाटा भी मौजूद है जो 1947 तो पहले लोग किस तरह इत्थे पढ़ते सी, किस तरह आपस दे विच स्कूल दे विच असातजा मुख्तलिफ असातजा होंदे सी, वख वख धर्मां तो लोग आपस दे विच ही जो तालीम जो विद्या दी जाती सी उहदा बहुत सारा डेटा इन्हां को मौजूद है। सो इन्हां को पुछांगे कि इन्हां कोल किहड़ा किहड़ा डेटा मौजूद है और उहदे विच की कुछ दर्ज है। जी सर, सब तो पहला तो सर तुहाडा धन्नवाद, शुक्रिया जी। साडा बहुत शुक्रिया कि तुसी साडे स्कूल तशरीफ ले आए और तुसी इहदा कुछ चानण पाउणा चाहुंदे हो, कुछ इन्हां दे बच्चिआं ते इहदे उस्तादां ते इहदी बिल्डिंग ते। जिस तरह तुसी आखिआ कि साडे कोल इक पुराना काफ़ी इहदा रिकॉर्ड भी है, जिस तरह मेरे सामने एक रजिस्टर 1938 दा इहदे विच मुख्तलिफ धर्मां दे जिहड़े तालिब इलम पढ़ते रहे, जिस तरह कि तुसी इह देखोगे कि सादिक शाह, जोगिंदर सिंह, बाबू राम, तो हरकिशन सिंह, बलदेव कृष्ण और जसवंत राय, मुहम्मद अनवर खान। तो जिस तरह तुसी कहा कि इत्थे मुख्तलिफ धर्मां दे तालिब इलम तालीम हासिल करते रहे, तो वो तालीम हासिल करन दे नाल नाल ना सिर्फ उन्होंने इत्थों तालीम हासिल करती बल्कि उन्होंने इस धरती का नाम भी रोशन किया, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान तो बद के निकल के इंटरनेशनल लैवल पर भी उन्होंने अपना नाम कमाया। अच्छा सर, कि सन के जो नाम दसे हुए ने कि सन के ज़्यादा? यह मेरे को 1945 के खुले ने रजिस्टर जरा खुलिया, तो इस तो पहले 1944 भी है, 1943 भी, ईवन 1938 भी, तो आ एक 1932 का भी रिकॉर्ड है जिस कृष्ण लाल, महमूद अली, दिलीप कौर, दिलीप सिंह और पीर मुहम्मद वगैरह जी। यह 1932 का तुहाडे कोल डेटा जी? बिल्कुल। और इस तो अलावा यह जिहड़ा बाकी डेटा है जिहड़ा नीचे तुहाडे कोल रजिस्टर मौजूद ने 1947 तो बाद है जी? 1947 तो बाद दा जी। जी जी बिल्कुल। एदे विच भी मुख्तलिफ धर्मां दे लोग पढ़ते रहे, तो फिर है कि क्योंकि जदों साडी पार्टीशन हो गई तो ज़्यादातर लोग इधरों माइग्रेट करके इंडिया चले गए, तो फिर ज़्यादातर मुसलमानों के बच्चे इत्थे पढ़ते रहे। लो जी, ननकाणा साहब का बड़ा अहम स्कूल है, बड़ा इतिहासक जगह है क्योंकि स्कूल किसी भी माशरे का किसी भी सोसाइटी के बड़ा अहम रोल प्ले करता है, इतों ही बच्चे सीख के जाते हैं और उ कुछ सारी जिंदगी उन्होंने नाल नाल रहा है। मैं जी इस वेले मौजूद हाँ रईसुल असातजा दे कमरे दे विच और मैनू एक ऐसी तख्ती ने अपने वाल खिंच लिया है जिदे उपर 100 साल पुराना इतिहास है। तुसी मेरे पिछे वेख भी सकते हो कि इहदे उपर उन्हां हैडमास्टर दे उन्हां प्रिंसीपल दे नाम लिखे हुए ने जो अज तो 100 साल पहले इत्थे अपने फराइज़ जड़े ने सर अंजाम दे चुके ने। अगर तुसी पहला नाम वेखदे हो जिहड़ा इस स्कूल का पहला हैडमास्टर है उसका नाम है सरदार किशन सिंह, जो 1928 तो 1930 तक इत्थे उन्होंने अपने फराइज़ सर अंजाम दिते।